अब आते हैं हम लॉजिकल शिफ्ट के ऊपर। ये हमारे सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है। लॉजिकल शिफ्ट हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होगा लॉजिकल शिफ्ट राइट और एक होगा लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। तो इसमें होगा क्या, लॉजिकल शिफ्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो बाइनरी की बिट्स होती हैं उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। ये हमारे पास काम होता है किसका, लॉजिकल शिफ्ट करके जो हमारे पास बाइनरी बिट्स हैं उनकी वैल्यू उनकी पोजीशन हम क्या करते हैं रजिस्टर के अंदर चेंज करते हैं। लॉजिकल शिफ्ट राइट के अंदर हम उस बाइनरी बिट की पोजीशन राइट साइड पे कर रहे होंगे स्विच, और जो बाइनरी शिफ्ट लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, बाइनरी की वैल्यू लेफ्ट साइड से शिफ्ट कर रहे होंगे या फिर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लॉजिकल शिफ्ट राइट पे। लॉजिकल शिफ्ट राइट हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं एल एस आर, और उसके आगे जो है हैशटैग के साथ क्या लगा हुआ होता है, नंबर वन एल एस आर, नंबर टू और एल एस आर नंबर थ्री। यही सेम चीज हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट में होती है, बस एक फर्क होता है। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के अंदर एल एस एल यूज होगा। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर, ये नंबर्स हमें यहाँ पर क्या बता रहे होंगे, ये नंबर्स हमें यहाँ पर बताएंगे कि हमें कितने बिट्स को स्विच करवाना है या कितना हमारा जो बाइनरी बिट है या बाइनरी का रजिस्टर है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स को हमें राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पर मूव करवाना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक दिया हुआ है नंबर 100 और यही सेम नंबर मेरे पास यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है एल एस आर नंबर वन। ठीक है, तो एल एस आर नंबर वन के अंदर हम क्या करेंगे, एल एस आर नंबर वन के अंदर हमने हम राइट साइड से एक बिट को शिफ्ट करवा देंगे। ठीक है, कैसे शिफ्ट होगा, ये जो राइट साइड की हमारे पास एक बिट है, इस बिट को हम कहाँ लेके चले जाएंगे, इधर, और इस बिट की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो। बाकी सारी बिट्स हम जो है नॉर्मली जैसे लिखेंगे उसी तरीके से उसी पोजीशन में बाकी सारी बिट्स हमारे पास आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, राइट साइड से एक बिट की जगह एक बिट को रिमूव कर देंगे और उस बिट की जगह पर क्या आ जाएगा, राइट साइड से एक बिट को क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे और उस बिट की जगह लेफ्ट साइड पर हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। सही है, तो यहाँ पर होगा क्या, राइट साइड पे हम एक बिट को रिमूव कर देंगे, एक बिट को कैंसिल कर देंगे और उस बिट की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर लॉजिकल शिफ्ट राइट हो रहा है। अगर लॉजिकली इसको देखा जाए तो ये जो जीरो है, ये जीरो हमारा राइट साइड पर मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये हमारे पास इस जगह पर आ जाएगा, और ये जो वन है इस वन की जगह यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी इस वन की जो एट्थ पोजिशन है वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, सो अगर लॉजिकली देखा जाए यहाँ पर जीरो रिमूव नहीं हो रहा, यहाँ पर जीरो जो है वो राइट साइड के ऊपर मूव कर रहा है, यानी ये जीरो राइट साइड पर मूव कर रहा है। अब क्योंकि जीरो की बिट पोजीशन वन थी और ये वहां पर दूसरी तरफ मूव कर गया, तो अब इसकी जो बिट पोजीशन वन है वो किसी ना किसी बिट को तो लेनी है, तो जितनी भी बिट्स थी वो क्या हो गई, राइट साइड पर मूव हो गई या राइट साइड पर शिफ्ट हो गई, यानी अब जो नंबर वन बिट पोजीशन है वो किसकी है, वो ये वाले वन की है, और नंबर एट बिट पोजीशन जो है वो यहाँ पर जीरो को हम दे देंगे हमेशा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, अभी इसकी और एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। लॉजिकल शिफ्ट राइट में टू को क्या होगा, सेम नंबर में यहां पर कॉपी कर रहा हूं। लॉजिकल शिफ्ट राइट बाय टू में क्या होगा, लॉजिकल शिफ्ट राइट बाय टू के अंदर हमारे पास ये वाली और ये वाली बिट्स मूव कर जाएंगी राइट साइड पर, यानी बिट पोजीशन वन और बिट पोजीशन टू हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट साइड पर मूव कर जाएगी, और ये वन और टू को फिलअप करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये सारी की सारी बिट्स राइट हैंड साइड पर आ जाएंगी, मतलब इनकी जगह को कवर अप कर लेंगी और पीछे से दो जीरोस लग जाएंगे। सही है, ये बात समझ आई जी सर।
अच्छा, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है इसका कि हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई LSR के बाद क्या लिखा है। जहां पर भी R लिखा हो इसका मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यूज या राइट हैंड साइड की बिट्स, और नंबर जो सा भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे। यानी इस 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, बाइनरी बिट। तो यानी राइट साइड से 2 बाइनरी बिट हम जो है वो क्या कर देंगे, उसके ऊपर कट लगा देंगे, सही है। और कट लगाने के बाद क्या करेंगे, बैक साइड पर 2 जीरोस लिख देंगे और बाकी ये पूरा नंबर एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी की तरह हमारे पास क्या है, इसी तरह हमारे पास आता है LSR 3। यानी अब हमें 3 बिट्स जो है राइट हैंड साइड पे क्या करनी है, शिफ्ट करनी है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दिया हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, 3 बिट्स को, यानी ये जो 3 बिट्स हैं इनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और इनकी स्पेस कौन ले लेंगे, बाकी के बिट्स। अब बाकी के बिट्स एडिटेड आ देंगे 0 1 00 1, ठीक है। ये वाले बिट्स एडिटेड मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिए, और इन 3 की जगह पर क्या कॉपी कर दिया, 3 0। सही, सही, हमारे पास क्या आ गया, LSR 3। अब आते हैं LSL के ऊपर, LSL 1 करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट से हमें क्या करनी है, बिट को चूज करना है। लेफ्ट से कितनी बिट को चूज करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 बिट को चूज करना है। तो यहाँ से जो लेफ्ट मोस्ट बिट है मेरे पास वो एक ये रही, तो मैंने 1 बिट को यहाँ से चूज कर लिया। और 1 बिट को चूज करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शिफ्टिंग करूंगा। यानी ये जो 1 बिट है ये किधर जा रही है, लेफ्ट साइड पर मूव कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो 1 बिट है ये क्या कर रही है, लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है। तो ये जो बाकी की बिट्स होंगी हमारे पास, ये वाली ब्लू वाली जितनी भी बाकी की बिट्स हैं, ये क्या करेंगी, ये इनकी जगह कवर अप करेंगी, और इस वाले 1 की जगह जो है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे देखते हैं। तो इसका जो आउटपुट हमारे पास निकलेगा वो क्या होगा, 0 0 1 0 0 1 0 0। अच्छा, बाकी जो है वो हमारे पास सारी चीजें सेम टू सेम कॉपी हो गई। जी सर, सही है ना। अच्छा, अब आते हैं LSL 2 पर। LSL 2 पर क्या होगा, LSL 2 में अब 2 बिट्स हमारे पास जो लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट 2 लेफ्ट मोस्ट बिट्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव करेंगी, यानी राइट साइड राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 जीरोस आ जाएंगे। तो इसका नंबर हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, और इस 0 की जगह भी क्या आ गया, 0 आ गया। बाकी जो ये पूरा का पूरा नंबर है ये एज इट इज, ये वाला पूरा का पूरा नंबर एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो गया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, LSL 3, ठीक है। अच्छा, अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो तुम्हें LSL की कौन सी वैल्यू दे। अगर वो तुम्हें LSL 5 देता है, LSL या LSR 5 दे रहा है, तो यानी लेफ्ट मोस्ट बिट जो तुमने पिक करनी है वो कौन सी होगी, लास्ट से 5 बिट्स होंगी। यानी जैसे ये 5 बिट्स हो गई, ये 3 बिट तुमने एज इट इज नीचे लिख देनी है, इन 3 की जगह पर एज इट इज नीचे तुम क्या लिख दोगे, जो तुम्हारी ये 3 बिट्स हैं, 0 1 0, और बाकी जो ये 5 बिट्स हैं इनकी जगह क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 5 0 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 5 बिट्स हैं ये किधर मूव कर गई, लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर गई है, और इनकी जगह फिलअप कौन कर रही है, ये 3 बिट्स। तो बाकी जो राइट हैंड साइड पे जितनी भी जगह खाली है वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। LSL 3 में क्या होगा, LSL 3 के अंदर हमारे पास लेफ्ट मोस्ट 3 बिट यूज होंगी, और इन लेफ्ट मोस्ट 3 बिट्स की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो 5 बिट्स हैं हमारे पास, ये 5 बिट्स एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी, 1 00 10, ठीक है ना। सो ये जो 5 बिट्स हैं हमारे पास ये कहाँ से आई हैं, ये रही, सही है। सो ये सारी चीजें समझ आ गई, ठीक जी सर। है। अच्छा, LSR का मतलब क्या होता है, LSR का मतलब हमारे पास होता है डिवाइड। सो LSR हमें रिप्रेजेंट क्या करता है, डिविजन, और LSL हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लीकेशन। LSL 1 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, LSL 2 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, और LSL 3 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 8। अगर LSL 4 है सो LSL 4 का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 16। तो यहाँ पर भी क्या यूज हो रही है, 1 2 4 8 16 32 वाली काउंटिंग यूज हो रही है।
सो सिमिलरली LSR क्या शो करता है? डिविजन. इस डिविजन में क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2. LSR 1 हमें क्या शो करेगा? डिवाइडेड बाय 2. LSR 2 हमें क्या शो करेगा? डिवाइडेड बाय 4. और LSR 3 हमें क्या शो करेगा? डिवाइडेड बाय 8. सही है. तो यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया. Subscribe to CS by Hamza if you find any value in it. Thank you for watching.